अलीगंज स्थित ताज गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी बांदा द्वारा राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिए छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण कल किया गया। प्रथम पुरस्कार अभिषेक रैकवार को लैपटॉप तथा द्वितीय पुरस्कार सैयद महसूद को टच मोबाइल एवं तृतीय पुरस्कार खतीब अहमद को टैबलेट पुरस्कार दिया गया। अन्य अभ्यर्थियों को स्कूल बैग, फाइल कवर, कॉफी, मग एवं सांत्वना पुरस्कार के रूप में समस्त छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कुल 80 छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने पुरस्कार वितरित करते हुए सभी छात्र एवं छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब देश के भविष्य हैं। आगे देश को आप सभी को संभालना है, इसलिए मेहनत से पढ़ें तथा ऐसी प्रतियोगिताओं में भागीदारी करें। इससे आपका दिमाग विस्तृत एवं विकसित होगा तथा राष्ट्रीय विकसित मस्तिष्क होगा। जिलाध्यक्ष ने राजीव गांधी के प्रधान व्यक्तित्व काल की योजनाएं बताई। युवाओं को मत देने के अधिकारी, पंचायत राज, ग्राम स्वराज आदि के बारे में विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी बाबूलाल गुप्ता जी प्रिंसिपल साहब के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन सूरज वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, मुमताज अली, बिलाए, संजय गुप्ता, सीमा खान, मोहम्मद इदरीश, सैयद अल्तमस हुसैन, राज बहादुर गुप्ता, पवन देवी, वीरेंद्र तिवारी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, साकेत बिहारी मिश्रा, प्रवक्ता राजेश गुप्ता, धीरू पांडे, रामहित निषाद, प्रेमचंदू, केपीएन, इरफान खान, छेदी लाल धुरिया, अफसर अली, अशोक वर्धन, रेखा वर्मा, अफसाना बेगम, सबीर सौदागर, कुलदीप मिश्रा, संतोष द्विवेदी, सुखदेव गांधी, राज अली, अंचल दीक्षित, सदाब खान आदि लोग उपस्थित रहे। इंडियन टाइम न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक रेकवार है। अच्छा, राजीव गांधी स्त्री में आपको कार्यक्रम पर क्या आपको मिला? लैपटॉप मिला। लैपटॉप कब आपने पेपर दिया था इसका? 14 तारीख को दिया था। कैसी खुशी जाहिर कर रहे हैं आज? बहुत अच्छी कर रहे हैं। और आगे और पढ़ाई भी करते हैं, क्या करते हैं? इंटर में। इंटर में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। आप आज कहाँ पर ये लैपटॉप आपको वितरित किया गया? राजीव गांधी प्रतियोगिता में। राजीव गांधी प्रतियोगिता में। आगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके विचार हैं? हमारा समय सही नहीं चल रहा। समय की बात नहीं, फिर भी आपकी ख्वाहिश कुछ? ख्वाहिश तो बहुत है, मगर समय सही नहीं चल रहा तो क्या बनेगा। चलिए, आपको आज लैपटॉप प्राप्ति हुई तो इसमें खुशी आपकी जाहिर है। बहुत खुशी है। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ रहते हैं आप? किस प्रकार का कार्यक्रम रहा आज? राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का जो उनके जन्मदिन पर प्रतियोगिता हुई थी उसी का रिजल्ट आया था, और जो विजेता हुई थी उनको आज पुरस्कार वितरण किया गया है। कितने विजेता? समिति के द्वारा 80 लोगों को पुरस्कार वितरण किया गया है जी, जिसमें से फर्स्ट विजेता को लैपटॉप, द्वितीय विजेता को मोबाइल सैमसंग का, और तृतीय विजेता को टैबलेट दिया गया है, और जो 10 लोगों को संतान पुरस्कार के रूप में बैग दिया गया है, और 10 लोगों को फाइल कवर दिए गए हैं, 10 लोगों को काफी मग दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया जो संतान पुरस्कार के रूप में। अध्यक्ष जी, जो फर्स्ट विजेता और सेकंड थर्ड थे, क्या ये बांदा की ही जिले थे? ये सब बांदा जिले के जितने विजेता थे, पुरस्कार विजेता थे 80, एक से लेकर 80 तक सब बांदा के ही लोगों को पुरस्कार वितरण किया गया है। उन्हीं में प्रथम पुरस्कार जो पाए हुए हैं उन्हें रहने के, उनको लैपटॉप दिया गया है, और बांदा शहर के रहने वाले हैं उनको मोबाइल और टैबलेट दिया गया है, और सभी बच्चों को जो अन्य थे उनको सबको बैग, जैसे बताया, बैग दिए गए, हैंड कवर दिया गया, काफी मग दिया गया, और संतावना पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया। हम सभी को बधाई देते हैं और सबको ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में, देखिए प्रत्येक वर्ष जन्मदिन के अवसर पर राजीव जी की प्रतियोगिता होती है, आगे मेहनत करें, निश्चित रूप से वो अगली बार पुरस्कार के रूप में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।